अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने ऑर्डर्स तो ले लिए, हमने अब हमें बायर्स भी आ रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं, हमने ऑर्डर्स भी ले लिए हैं, लेकिन उनको मैनेज किस तरह किया जाए ताकि हमारी रेटिंग जो उनकी है वो काफ़ी अच्छी रहे, 5-star रहे, और जो उनसे रिव्यूज़ मिले हमें वो भी अच्छे हों। सो फॉर दैट यू हैव टू बी रियली गुड एट मैनेजिंग योर ऑर्डर्स। तो मैनेज किस तरह करने हैं, दैट इज़ कमिंग अप इन दिस वीडियो। आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह आप कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने जो सी टाइम लाइन बनानी है अपने प्रोजेक्ट की, आपने टाइम लाइन बनानी है कि ये वाली चीज़ें जो कि मैं इंक्लूड करूँगा, ये एक प्लान होगा जिसके गो थ्रू मैं जाऊँगा, दीज आर द स्टेप्स, इनके गो थ्रू मैं जाके एंड एट दिस टाइम आई विल डिलीवर योर प्रोजेक्ट टू यू। सो आपने टाइम लाइन बनानी है और उसको बायर के साथ शेयर करना है। सो दिस इज़ माई टाइम लाइन, इस तरह मैं आपके प्रोजेक्ट को लेके चलूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल डिलीवर टू यू ऑन दिस डेट अ स्पेसिफिक टाइम। आपने उसको ये सब कुछ शेयर करना है। उसके बाद है कि आपने हमेशा टाइम के ऊपर डिलीवर करना है, आपने लेट नहीं होना। आप अगर कोई लेट हो रहे हैं तो आपने कोई उसको सॉलिड रीज़न देना है, सो बिकॉज पाकिस्तानी रीजन्स नहीं देने, यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक, वाई डिले इज़ कमिंग, वाई इज़ दिस हैपनिंग, सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। आपने उसको बताना है, इफ़ आई एम लेट दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस, आई विल बी लेट बिकॉज ऑफ दिस, सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। इट इज़ मच प्रेफर्ड के टाइम लाइन देने से पहले या टाइम डिलीवरी टाइम या डिलीवरी डेट देने से पहले आप उस का प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। आप स्टडी करने के बाद उसको बताएं कि आपका जो सा प्रोजेक्ट है ये इतना टाइम इसके ऊपर लगेगा और आई विल डिलीवर ऑन दिस स्पेसिफिक डेट और टाइम। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले उसको स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें एंड आफ्टर दैट आप उसको डेट एंड टाइम डिलीवरी का दें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि आप, क्योंकि डेफिनेटली जो सा भी बायर आपके पास आता है ही इज़ अ बिट एंग्शियस, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है अभी उसके पास, वो क्योंकि न्यूली आया और सेलर के पास आया है और वो चाहता है कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट डन करवाऊँ किसी से, क्योंकि उसने पैसे देने हैं और वो ये भी नहीं चाहता कि मेरा टाइम ज़ाया हो, वो ये भी नहीं चाहता कि मेरे पैसे ज़ाया हों, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो इस वजह से हमने एज अ सेलर उसको एट ईज़ रखना है, उसको रिलैक्स कर, आपने बायर को एट माइंड पीस देना है, आपने उसको रिलैक्स करवाना है दैट यू आर एट अ राइट प्लेस, आप राइट गेट के ऊपर आए हैं, राइट बंदे के पास आए हैं, आपको आपका प्रोजेक्ट राइट वे के अंदर मिलेगा, आपको आपका प्रोजेक्ट इन दिस टाइम मिलेगा, आपको ये वाली चीज़ें इंक्लूड करके दूंगा, यू जस्ट डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, आई विल डिलीवर ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको ये बातें बताएं, बिकॉज एट स्टार्ट वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो आपने उसको रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट चीज़ें बतानी पड़ेंगी। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेक द लीड। देखते लीड से क्या मुराद है कि डेफिनेटली वो जो सा बायर है वो डिफरेंट सेलर्स के पास गया हुआ है, वो डिफरेंट सेलर से बात कर रहे ताकि वो फिल्टर आउट कर सके कि कौन सा सेलर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। सो यू हैव टू टेक द लीड। और लीड किस तरह ली जाती है, किस तरह आप ले सकते हैं, आप उसको बताएँ, अपना टाइम लाइन बताएँ, आप उसको अपना वर्क प्लान बताएँ। मैं बार बार इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, वर्क प्लान, टाइम, उसके बाद टाइम लाइन, उसके बाद आपने जो सा उसके साथ स्टेप्स शेयर करने हैं। सो दीज आर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। आपने जब तक ये शेयर नहीं करेंगे बायर आप से कन्विंस नहीं होगा और वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप स्टार्ट के अंदर उसको डिफरेंट जो सी भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं, अब वो पूछे ना पूछे आपने ये चीज़ें उसको बतानी है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने उसको स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, उसको बताना है, उसको अपडेट करते रहना है, आपका प्रोजेक्ट इधर तक पहुंचा है, ये चीज़ें हो गई हैं, सो होप इट इज़ फाइन। आप साथ साथ अप्रूवल्स भी लेते जाएं, अप्रूव करवाते जाएं कॉन्टेंट को, अगर कोई लोगो है उसको अप्रूव करवा लें, अगर कोई एनिमेशन है उसको अप्रूव करवा लें, अगर कोई राइटिंग है उसको अप्रूव करवा लें। सो साथ साथ स्क्रीनशॉट सेंड करते रहें, अपडेट करते रहें बायर को, ताकि बायर भी इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो कि डेफिनेटली ये जो सा सेलर है ये अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे डील कर रहा है,
अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे अपडेट दे रहे हैं अबाउट माय प्रोजेक्ट। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपडेट करते रहें, वर्क प्लान बताते रहें, उसको टाइम लाइन बताते रहें, उसको बताते रहें कि आपका जो सा प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट सेंड करें, अगर पॉसिबल है तो आप एक्सेल की फाइल बनाएं, उसकी बुक बनाएं, डिफरेंट आइटम्स को मेंशन करें और फिर उसके बाद बताएं, आगे लिख दें हाउ मच इट इज़ डन। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप जब तक ये नहीं करेंगे बायर ज़्यादा कन्विंस नहीं होगा, और डेफिनेटली अगर बायर आपके पास कम आने लग जाएंगे, आपके पास ऑर्डर्स कम आने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर जो है दैट इज़ रियली गोना बी हार्ड फॉर यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है इन फ्रीलांसिंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे और आप अच्छे तरीके से अर्निंग रखें इसके अंदर और ज़्यादा अर्न करते रहें इस प्लेटफॉर्म से, तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारी जो सी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं इन मैनेजिंग दी ऑर्डर्स, आपने वो वाली अप्लाई करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, अच्छे तरीके से डिलीवर करें और अच्छे रिव्यूज़ लें, अच्छी रेटिंग लें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने 100% अपना डिलीवर करना है और डेफिनेटली ही इज़ गोना गिव अ गुड रिव्यू। और अगर उसका कोई फ्रेंड है जो कि उसी फील्ड के अंदर है या उसको ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए वो उसको भी रिकमेंड करेगा, तो आपको और ज़्यादा बायर्स से मिल सकते हैं। सो जस्ट गिव योर 100, साथ में जो सी मैंने आपको टिप्स बताई हैं आपने वो यूज़ करनी है, किस तरह मैनेज करना है आपने वो करना है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द मोस्ट मोस्ट एवर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ के डिलीवर ऑन टाइम। आपने टाइम के ऊपर डिलीवर करना है, डोंट बी लेट। आपने पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेना ताकि आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम बता सकें। अगर आपने अच्छे तरीके से उसको स्टडी नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया और आपने वैसे ही उसको टाइम बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया दैट आई विल कम्प्लीट योर प्रोजेक्ट इन दिस टाइम फ्रेम, टाइम के ऊपर नहीं कम्प्लीट कर पाएंगे तो बायर इज़ गोना बी डिसअपॉइंटेड, और जब वो डिसपॉइंट होगा तो ही इज़ गोना गिव यू बैड रिव्यू और रेटिंग भी आपकी लो होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जो सी मैंने आपको टिप्स बताई हैं इन मैनेजिंग ऑर्डर्स, उसके पहले जो सी चीज़ें बताई हुई हैं वो, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, मैसेज किस तरह करना है, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने 100% देना है अपना, एंड एट दी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने टाइम के ऊपर डिलीवर करना है। सो इन द नेक्स्ट लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपने आप को प्रमोट किस तरह करना है, आपने अपनी गिग को प्रमोट किस तरह करना है। आपकी गिग ऑलरेडी बन गई है, आप सारा कुछ हो रहा है, बायर्स भी आ रहे हैं, आप ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी भी कुछ नीड है कि और ज़्यादा बायर्स हैं, तो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने आप को प्रमोट किस तरह करना है। सो फॉर दैट यू हैव टू वेट, दैट इज़ कमिंग अप इन द नेक्स्ट लेसन। सो अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।